हेलो फ्रेंड्स, कुक विद पैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि होममेड येलो सॉल्टेड बटर घर पर कितनी आसानी से बनता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मक्खन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप फ्रेश मलाई ली है। हम बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई में से मक्खन नहीं निकालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। हम इसके लिए फ्रेश मलाई ही लेंगे। और इस मलाई को मैंने फ्रिज में से 2 घंटे पहले ही बाहर निकाल लिया था, जिससे कि अब ये रूम टेम्परेचर पर आ गई है। हम बहुत ज़्यादा चिल्ड मलाई में से मक्खन नहीं निकालेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पर करके ही इसमें से मक्खन निकालेंगे। और इसको सॉल्टेड बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक और इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ी पिंच को हम हल्दी ऐड करेंगे, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा अमूल बटर जैसे येलो आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी को आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, अगर आपको ज़रूरत लगे तो फिर आप दोबारा ऐड करें। एकदम से हल्दी ना डालें, जिससे कि इसका कलर बहुत ज़्यादा येलो हो जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। तो अब हम इसको विस्क से बीट कर लेंगे, जिससे कि हमारा मक्खन 5-7 मिनट में ही निकल जाएगा। आप हैंड ब्लेंडर या मिक्सर किसी भी चीज़ की हेल्प से इस मलाई में से मक्खन निकाल लें। देखिए, ये मेरा मलाई में से मक्खन निकल आया है और इसका कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। इसमें से पानी अलग हो गया है और मक्खन एकदम से अलग हो गया है। अब हम इस मक्खन को इस पानी में से निकाल करके अलग करेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में चिल्ड वाटर लेंगे और उसके साथ, देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ी बर्फ़ भी इसमें डाली है। अब हम ये सारा मक्खन इसमें से निकाल करके इस बिल्कुल चिल्ड ठंडे पानी में रख देंगे और इस पानी में हम इस मक्खन को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि मक्खन एकदम से ठंडा होकर के इसका एक एक दाना मक्खन का ऊपर आ जाएगा पानी के और इसको समेटना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप पूरे मक्खन को अच्छे से निकाल करके इस पानी में ऐड कर लें। अच्छे से मक्खन को इस पानी में डिप कर लें। देखिए, इसमें से जो लस्सी है वो बिल्कुल निकल जाएगी। और जो आपका मक्खन है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। 5-10 मिनट के लिए हम इस पानी में ही मक्खन को छोड़ देंगे और ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा मक्खन, जिससे कि इसका पेड़ा बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं और मेरा मक्खन बिल्कुल हार्ड होकर के ऊपर आ गया है। अब इसको समेटना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इस मक्खन के पेड़े बना करके हम इसको बहुत अच्छे से निचोड़ेंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए और हम इसको किसी भी स्केयर डब्बे में भर करके बिल्कुल दबा दबा करके सेटल कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान करें कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, पानी अच्छे से आप निकाल लें। एक्स्ट्रा बर्फ़ मैं निकाल रही हूँ और इस मक्खन को मैं अच्छे से इस पानी में से निकाल करके अच्छे से निचोड़ लें, ताकि इसका सारा पानी मॉइस्चर जो है निकल जाए। और दबा दबा करके आप इस डब्बी में इसको भर लें। पानी ठंडा होने की वजह से मक्खन बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। देखिए, इस तरह से आप इस मक्खन को इसमें सेटल कर लें। आप चाहें तो इसके नीचे आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, जिससे इसको निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें आप हाथ से इसको दबा दबा करके सेटल करें, जिससे कि एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा और बाद में हम इसके स्लाइस काट सकते हैं। दबा करके इसका सारा पानी आप निकाल लें और फिर आप इस डब्बी को बिल्कुल बंद करके 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये मक्खन बिल्कुल सेटल हो जाए।
और बाद में हम इसके, देखिए इस तरह से हम इसके पीसेस बाद में काट करके इसको सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और घर का होने की वजह से ये बिल्कुल ही फ्रेश रहता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।